ब्रह्मांड जो है, जो अपने देश की राम कथा परंपरा है, रामायण परंपरा है, उसका एक अपभ्रंश है ब्रह्मांड, रामायण का ब्रह्मांड। हिस्टोरिकल इसके ट्रेसेस बहुत ज़्यादा अगर आप ढूंढना चाहें, जो बद्रीनाथ, जो वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत हुई बद्रीनाथ की स्थापना के बाद 8वीं सदी में, उसके बाद जो वैष्णवी संत यहाँ आने लग गए, तो उनके बाद में भक्ति आंदोलन के दौरान बड़े बड़े राम कथा के, राम भक्ति धारा के संत भी यहाँ पे आए। यहाँ तक कहते हैं कि तुलसीदास भी यहाँ पे आए थे यात्रा में, बद्रीनाथ की यात्रा में। सावन और भादों को संतों के, सन्यासियों की ये परंपरा है, वो कहीं मूव नहीं करते हैं, एक जगह पे बैठ के भजन कीर्तन करते हैं। तो ये लोग चातुर्मास में आके जोशीमठ में, ये संत लोग, रामानंदी संत, राम कथा संप्रदाय के, राम भक्ति धारा के संत बैठ के यहाँ पे राम की कथाएँ लोगों को सुनाया करते थे और हनुमान की कथा भी सुनाया करते थे। तो ये जो कथा, राम की कथा जो मुख्य, राम कथा की मुख्य धारा की कथा है, उसे थोड़ा सा कहीं कहीं भाई फर्क आता है। लेकिन दूसरा ये है कि यहाँ पे यक्ष की ये भूमि थी और यक्ष को लोग हनुमान का अवतार मानते थे, या हनुमान को यक्ष का अवतार मानते थे। तो यक्ष की जो कथा थी, हनुमान की जो कथा थी, उसको यक्ष के जो अनुष्ठान होते थे उसमें में गाया जाता था, और उस कथा का अंत उसके साथ हो जाता है जब हनुमान लंका को जला देता है। तो इट इज़ अज्यूम्ड दैट द राम कथा इज ओवर, ठीक है। तो इसका असर रामायण पे भी पड़ा। रामायण में एक लास्ट सीन जो वो दिखाते हैं कि भरत मिलाप हो रहा। भरत मिलाप का एक बहुत सिंबॉलिक, बहुत कोडिफाइड सा मंचन होता है, जिसमें आप बहुत इजीली डिसाइफर नहीं कर सकते कि भरत मिलाप हो रहा है। सिर्फ ये सुनाई देता है, हे भरत भाई, ठीक है। तो ये जो कथा आई, दो स्रोतों से आई, एक यक्ष और हनुमान के स्रोत से आई, और एक जिस भारत जो अपना उपमहाद्वीप है, इसके राम कथा परंपरा से आई। तो इसी का वहाँ पे मंचन होता है, वहीं पे नहीं, पूरे जोशीमठ जिसे पैनखंडा क्षेत्र कहते हैं, उसमें पूरी जगह इसका मंचन होता था। तो इनमें 24 जो अवतार माने जाते हैं भगवान विष्णु के, उनसे संबंधित अलग अलग मुखौटों का मंचन होता था, लेकिन थोड़ी बहुत रामायण उसमें रामायण गाई जाते थे। अब चूंकि ये बहुत जोशीमठ के पास था, सलू डूंगरा गांव, सेलंग गांव और बरोसी गांव, तो इस पे संतों का और राम भक्ति परंपरा के संतों का ज़्यादा प्रभाव था। और चूंकि सलू डूंगरा ये 3-4 गाँव का एक मेल है और बड़े संपन्न और प्रभावशाली क्षत्रिय लोग हैं वहाँ पे, तो ये विशेष तरह से अपना आयोजन करते हैं। और इस आयोजन में एक जो मल्ल युद्ध तो सभी जगह दिखाया जाता था, लेकिन इस गांव में जो मल्ल युद्ध दिखाया जाता था, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता था। वो दो सफेद वो होते थे मल्ल योद्धा कहते हैं उनको, रेसलर्स, और दो लाल रंग के रेसलर्स होते थे। तो ये अलग अलग जातियों के होते थे, एक उनमें से भंडारी होगा, एक उनमें से कुंवर होगा, वो एक उनमें से नेगी होगा, ठीक है, इस तरह से बटा हुआ था। और ये कहते थे वो जो अनुकरण कर रहे हैं, गोरखा के समय जो आए थे
युद्ध करने वाले उनका अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी दृष्टि में इतना नया नहीं है कि वो 1803 और 4 गोरखों से ज़रूर उन्होंने तलवारें और ढालें छीनी उन लोगों ने और उन्हीं का आज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये परंपरा, ये समाज में मल्ल युद्ध की परंपरा बहुत पहले से रही है। और ये कम्युनिटी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं गांव में, कई किस्म के कम्युनिटीज़ होते हैं, कोई नेगी है, कोई रावत है, कोई कहीं से आया, कोई, तो उनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो उस संघर्ष को कम करने के लिए, उस टेंशन को रिलीज करने के लिए इसको ड्रामेटाइज किया जाता है पूरी दुनिया में, नहीं वहाँ नहीं। यहाँ पर इस गांव में ऐसा स्थान है जहाँ पर माल की घटना हुई, गोरखानी भी यहाँ पे, और गोरखाओं को मार करके उनके तलवार ढाल सब यहाँ छोड़ के चले गए थे, और यहाँ ढाल तलवार इस गांव में है अभी भी। तो उसको उन्होंने कहा इसको कैसे हम इस वीरता को, जो ये बड़ा इंसिडेंट था, इसको कैसे मतलब याद रखेंगे। तो उन्होंने जो है उसको एक परंपरा बना करके यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया इस मेले में कि एक दो घंटे का इसको भी जोड़ दीजिए, ये दो लाल माल गोरखा होंगे, दो सफ़ेद गढ़वाले होंगे, उनमें से एक ही होगा, इसका भी पूरा बई में है पूरा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कोई बन जाए। उसमें ऐसा होता कि दो डुंगरा गाँव के होंगे, दो सलूड़ के होंगे, उसमें भी एक सफ़ेद वहाँ का होगा, एक लाल वहाँ का होगा, एक सफ़ेद यहाँ का होगा, एक लाल यहाँ का होगा। उस लाल में से भी जो है एक यहाँ पर एक हेमलेट है, रोड बोलते हैं उसको, वहाँ पर उन लोगों ने उनको जो है शरण दी थी गोरखाओं को। तो हमेशा गोरखाओं का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक लाल वहाँ का होगा, तो ये होना ही होना है वहाँ का, ये तो विधि बनी हुई है, उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ का इस साल नहीं होगा। वो जो बना हुआ है लिखित डॉक्यूमेंट, उसी के अनुसार जो नियम बने हुए, उसी के अनुसार होता है। पांडव लीला में कौन कौन है? मनोज सिंह चौहान डुंगरा, गोविंद सिंह नेगी सलूट, तीसरा लक्ष्मण सिंह रावत सलूट, प्रदीप सिंह बिष्ट डुंगरा, प्रमोद सिंह पवार जो। जो मुखौटे हैं, असल मुखौटे एक तो मूर्ति की रेप्लिकाज होते हैं। मुखौटे का मतलब है मूर्ति की रेप्लिका, जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनकी रेप्लिका वो लकड़ी में बनाई गई है। देवी देवताओं की मूर्ति को आप नचा नहीं सकते उसको, इसलिए जो कोई देवी अगर गौरा है तो गौरजा का मुखौटा पहन के एक व्यक्ति आएगा, वो गौरजा बन गया। और ये माना जाता है मुखौटा पूरे विश्व में मुखौटे को पहनना ही मैजिकल होता है। जैसे आप मुखौटा पहनते हैं आपके अंदर एक मैजिक पावर आ जाती है। ये हम अपने यहाँ की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। उनके मैजिकल पावर्स होती हैं मुखौटों में, और ख़ासकर जो मुखौटे पूजे जाते हैं बड़े सम्मान से रखे जाते हैं। तो ये मुखौटों का जो है ये नहीं कह सकते आप ये तिब्बत से आया या ये हमारे भारतीय मुख्यधारा से आया। वो जैसी देवी देवताओं की मूर्तियाँ होंगी आप मुखौटे देखेंगे बिल्कुल वैसे ही। हमारे ये 18 मुखौटे हैं, एक तो ये कुल टोटल मिला के 18 मुखौटे हैं। और ये मुखौटे जो बनते हैं ये भोजपत्र से बनते हैं, एक बहुत ही पवित्र लकड़ी होती है उसको बोलते हैं भोजपत्र, आपने नाम सुना होगा। पुराने ज़माने में भोजपत्री की खाल से लिखा पढ़ी सब उसमें होती थी, कागज़ जब का निर्माण नहीं हुआ था। और आज भी जो तंत्र मंत्र और जितने भी पवित्र कार्य होते हैं भोजपत्र की खाल से होते हैं, जो उसकी छाल होती है बार्क, लेकिन ये लकड़ी है भोजपत्र की लकड़ी। और ये 12,000 फीट से ऊपर ये लकड़ी पाई जाती है यहाँ बहुत हाइट में। इसका बॉटनिकल नेम है बेटुला यूटिलिस, और ये बहुत ही पवित्र लकड़ी मानी जाती है। और ये एक एक्सटिंक्ट श्रेणी में है, ये विलुप्त पर्याय, ठीक है, ये बन गए, जब बन गए अब तो मिलता नहीं है। तो ये जो सबसे पहला मुखौटा है ये पहले नंबर पर, सबसे पहले जो मतलब पृथ्वी की रचना जब हुई तो भगवान की उत्पत्ति हुई ना, वही जागर हमारे यहाँ लगता है। उसकी वहाँ पर जो डायलॉग नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ डायलॉग नहीं है जब नृत्य होता है, तो हमारे जागर वाले कुछ जागर में आता है कि ये सूर्य ईश्वर हमारे इस पृथ्वी की रचना हो रही है। तो पहले माना जाता है भगवान की उत्पत्ति हुई, तो वो सूर्य ईश्वर का मुखौटा है सबसे पहले। तो अब जो है उत्पत्ति के लिए तो फीमेल का होने ज़रूरी है, तो महाकाली की उत्पत्ति, जो मातृशक्ति हमारी है वो महाकाली दुर्गा जिसको आप कहते हैं वो उनकी उत्पत्ति हुई है, और उसके बाद जो है गणेश जी की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से एक क्रम चलता है।
और उसके बाद जो ये तीसरा मुखौटा, ये मोर, एक मोर का मुखौटा है। ऐसा होता है कि हमारे पहले ये पूरा पहाड़ का इलाका है, और आज से 50, 100, 200, 500 साल पहले, क्योंकि ये तो बहुत एंशियंट कल्चर हमारा है, बहुत पुरानी कल्चर है, 8वीं शताब्दी से लेकर के चल रहा है, तो ये सारा पूरा जंगल था यहाँ पे, और हम लोगों का केवल जो व्यवसाय था वो है गाय भैंस पालना और दूध लेकर के बेच करके उसकी, और या मिल्क प्रोडक्ट लेकर के उसकी अपनी आजीविका, अपने बच्चों का पालन करना। तो ये मोर उसी का एक प्रतिनिधि है जो जंगल में रहता है अपनी परिवार के साथ, और अपना गाय का दूध या जो भैंस का दूध लेकर के वो जा रहा है कहीं कस्बे की तरफ बेचने के लिए, दूध लेके जाता है। तो जंगल से जब गुजरता है तो वो उस पर आक्रमण हो जाता है, जो जंगली जानवर हैं, भालू है, बाघ है, उनके सब मुखौटे हैं फिर रखे हुए हैं, वो उस पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके उसको घायल कर देते हैं। रास्ते में इनका इनकी भिड़ंत बाघों से और रीछों से होती, घायल हो जाते हैं, इलाज करते हैं, ठीक है। तो इनसे ये ढोल वाले इंटरेक्ट करते हैं कि तुम कैसे बचे, कहते तो तुम पे देवता आता है, अब ये देवता अवतरित का अपना परिचय दे रहा है, इसके कहते कटारू, कटारा छानना, आपने छाते में चुबाना, और जब देवता आएगा तब इनका इलाज होगा। अभी इन पे बाघ ने अटैक किया ना, किया नहीं, रीछ ने अटैक किया, तो बाद में फ्रेंडली हो जाते हैं बाघ और रीछ से, अपना कुछ जलता हुआ अंगारा उंगारा लगा के उसका इलाज कर लेते हैं, राख लगा के ये, ताकि बाघ के दांतों का जहर ना लगे उनको। तो ये इस इलाके में जितने ही ऐसे फेस्टिवल होते हैं उसमें ये मोर आता है, यानी पूरे इलाके, हर इलाके में थोड़ा सा उसका स्क्रिप्ट बदलती है, हल्की बदलती है, लेकिन मोर और लेस इट रिमेंस द सेम। बनिया बनियाड़ी में बताता हूँ आपको, ऐसा है कि ये बनिया का मतलब बिजनेसमैन से मतलब है। हाँ हाँ, बनिया जिसको कहते हैं, तो बनिया बनियाड़, बनियाड़ का मतलब बिजनेस वुमेन, ठीक है। तो पहले जो है जमाने में हम लोगों के यहाँ, जब 1962 से पहले, इंडो चाइना वार से पहले, यहाँ से सारा व्यापार होता था, हम सब चाइना से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पूरा तिब्बत, सब तिब्बत से ये लगी हुई सीमा है, सारा व्यापार होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो चीज़ यहाँ पर बहुत तहत होती है वहाँ पर हम जाके बेचते थे, पैसा नहीं था, एक्सचेंज होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है उसको वहाँ पर देख करके, जो वहाँ होता है, केसर है, ये सुहागा है, नमक है, ये सब ये लोग लाते थे वहाँ से। ये दो पात्र हैं, बनिया और बनिया, ये बनिया बनियान है। तो ऐसा था कि इस इलाके में ना वो बनिए लोग घूमते रहते थे अपना बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस में जो है फेयर एंड फाउल मींस अपनाते हुए बिजनेस करते थे, तो उनका मजाक उड़ाते हैं ये, वो जो बनियान जो है ना, कभी कभी ग्राहकों को पटाने के लिए किसी के साथ भी डांस करने लग जाती है, तो बनिया उसके पीछे भाग के तलवार लेके जाता है, साली क्या कर रही है तो ये बिजनेस जो टैक्टिक्स होती है ना, जो बिजनेस जो फॉर्मूले होते हैं उनको अपनाते हैं। अब नाचिए, अब वो किसी और को पटाएगी वो तो ये लोग जो है अपने नाटकों के माध्यम से उनकी मोरालिटी को एक्सपोज करते थे। अच्छा, ये खेलवारी, खेलवारी है ना, ये खेलवारी मतलब ये अपने छोटे छोटे नाटक दिखाते हैं लोग, जो समाज के जो अलग अलग किस्म के नाटक दिखाएंगे, तो ये जो है ये अलग अलग पात्र बन के आते हैं, साल भर जिसमें जिस जिसका मजाक उड़ाना हो इस समय मजाक उड़ाया जाता है, ये लोग उड़ाते हैं, अभी तो उतना नहीं दिखा रहे हैं।
लेकिन ये अलग अलग किस्म के विचित्र विचित्र पात्र बन के आते हैं, खिलवाड़ी कहते हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी को फ्रीडम है, गाँव का जो भी जो क्रिएटिविटी करना चाहता है, जिस तरह से बन के आना चाहता है बन के आ सकता है। तो ये अलग अलग किस्म के अपने बन के आए भाई। ये पति और पत्नी है, इनके गले में ग्वाइटर्स हैं, गेंगा जिसे कहते हैं ना, तो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो जाया करते थे। तो ताकि लोगों में ये न्यूरोसिस न रहे, लोग देखें ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसमें इन्फ्योरिटी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नाटक दिखाया जाता है। अब ये इनको लोग पूछेंगे तुम्हारे गले में क्या है, कहेंगे नहीं गले में बड़ा कीमती माल है, ये माल है, दिखाएंगे नहीं। वो इस तरह का ऐसे ही मजाक चलता रहे। ये हर जगह आता था गन्ना गुन्नी, ये गन्ना गुन्नी हर नाटक में आता था। एक एक तरह का ये किसी जो 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 हेल्थ संबंधी क्राइसिस है, ये फिजिकल क्राइसिस है, उसको ड्रामेटाइज करके उस न्यूरोसिस को खत्म कर। उसको और जगह इनको पत्थर कहते थे, कहीं नंदा का कौथिक कहते थे, कहीं तालू पंवार कहते थे, कहीं हौस्तोला कहते थे, कहीं चैतोला कहते थे इस उत्सव को, कहीं जो है सीता माई कहते थे, कहीं कुछ कहते थे, लेकिन इन तीन गांव में इसको रामायण कहते थे। ठीक है, राम कथा का डोमिनेशन होने की वजह से इन तीन गांव में इसको रामायण कहते थे। भूमियाल देवता हमारे पूरे क्षेत्र का जो है भूमि रक्षक है। इस भूमि का मतलब लैंड, इस पूरे भूमि का मालिक है ये। तो भूमि का मालिक जहाँ हम रह रहे हैं, तो भूमि क्षेत्रपाल पूरी की रक्षा करने वाला यही देवता हमारा है। ऐसे और भी मंदिर यहाँ पे हैं, दुर्गा का है और छोटे अपने घरों में भी मंदिर होते हैं। तो ये पूरे क्षेत्र की, ये माना जाता है कि ये पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं और पूरे क्षेत्र के जो है ये आराध्य हैं। और भी देवी देवताओं को मानने वाले अपने भगवती है, दुर्गा है, नरसिंह है, ये सब और भी हैं गाँव में कस्बों में अपने अपने, लेकिन ये पूरे एक तरह से ज्वाइंट संयुक्त देवता हैं पूरे क्षेत्र के। इसमें 18 ताल बजते हैं और सीखने पड़ता है। 18 ताल सीखने में बहुत टाइम लगता है। 18 ताल जो है स्कूल में बच्चा पढ़ता है, किताब रहते हैं, हमारे पास किताब नहीं है। हमारे पास जो हमारे बूढ़े को दादा परदादा जो बजाया है वो हृदय में रखा है और हाथ इस्तेमाल किया, बजाना इस्तेमाल किया। हाथ गलत हुआ, पूर्वजों ने कहा ये सही नहीं हुआ, अच्छे ढंग से बजाओ, कल बजाए, परसों बजाए, नरसों बजाए, ऐसा बजाते बजाते 1 महीने 6 महीने में आदमी सीख सकता है। 1 महीने से लगातार अगर बजाएगा 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 तो 6 महीने में 18 ताल बजाना सीख जाएगा।
बच्चे करते भी नहीं है इस काम को, क्योंकि स्कूल पढ़ रहे हैं और हमने स्कूल पढ़ी नहीं, हमने यही सीखा हमने। अब बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, उनको नहीं आता बजाना। हाँ, अब उनको आता ही नहीं उनको बजाना। फिर ऐसा है जमाने की हिसाब से नहीं बजाते हैं, जमाना ऐसा है, मिलता है कुछ नहीं है इसमें, इसमें से 200-400 रुपये मिलते हैं, क्या हो तो। आजकल तो दिहाड़ी मजदूरी वाली बात है, पेट पालने हैं बच्चों ने, अपना बाल बच्चे पालने हैं, अब इसमें क्या हमको भी क्या मिलता है। हम रामायण हो रही जैसे कल तो संक्रांत सर 14 घंटे तक बजा रहे हैं, हमको लास्ट में क्या मिलेगा, 500 रुपये मिलेगी नाम किताब, और 10-12 आदमी 500 रुपये, 50-50 रुपये क्या होता है इसमें। गांव की पुरानी रीति रिवाज नाच मिलता है, चूहा मिलता है, कोला मिलता है, पहले मिलता था ऐसा नाच, पैसे नहीं नाच मिलता, उसको कहते हैं कोला डरबार, कोला डरबार कहते हैं। अब जमीनों में वो भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं मिल रहा है भाई। इतना है परंपरा है, प्रेम है इन लोगों का, हमारा प्रेम है, काम चलाना है। एक तो ये मुखौटा सबसे, सारे मुखौटा 18 मुखौटों में से सबसे भारी हैवी मुखौटा है, इसका जो वजन है वो लगभग 25 केजी का है। दूसरी बात, ये मुखौटा पवित्र लकड़ी भोज पत्र एक होता है, बेटुला इटली से बना हुआ है। नंबर तीसरी बात है, यद्यपि सारे मुखौटों को धार्मिक रीति रिवाज से हम लोग पूजते हैं और नृत्य कराते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान का जो मुखौटा है वो जो है उसको विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई कमी न रह जाए। जो हमारी, जो हमारा रिलीजन है, जो धार्मिकता है, जो पवित्रता है, ये तो बहुत कष्ट हो सकता है, बहुत दिक्कत हो सकती है। सातवीं सदी से नौवीं सदी तक कत्यूरी राज वंश वहाँ पे रहा है, तो जो नरसिंह देव थे उनके इष्ट भगवान नरसिंह थे, तो नरसिंह के आराधना वो करते थे। तो उन्होंने अपने बिल्कुल बगल के गांव थे, इन गांव में ज़्यादा प्रभाव डाल के ये कहा कि इसमें नरसिंह का एक विशेष आयोजन होगा, नरसिंह अवतार का। अभी जो है ये गोधूली की वेला है, और आप जानते हैं कि नरसिंह भगवान का अवतार गोधूली की वेला पर होता है, तो नरसिंह भगवान अभी गोधूली की वेला पर इनका अवतार हो रहा है, और जो हमारे पुरोहित हैं ये नरसिंह भगवान के अवतरण का पाठ जो है, नरसिंह का जो पाठ है, उस विष्णु सहस्रनाम पाठ कर रहे हैं, और विष्णु सहस्रनाम पाठ के बाद ये अवतरण होगा नरसिंह भगवान का। उनके ऊपर जो आवरण है वो खोल दिया गया है, नारियल की बलि चढ़ा दी गई है क्योंकि ये सात्विक बलि मांगते हैं, और उसके बाद ये अवतरण हो गया है। तो ये 18 बार प्रयास करते हैं प्रहलाद को पकड़ने का, यहाँ प्रहलाद अभी आएंगे, प्रहलाद सामने है, ये प्रहलाद है, 18 बार प्रयास करते हैं अभी आप देखेंगे, और 18वें बार में ये सफल होते हैं प्रहलाद को बचाने में, और उसके बाद नृत्य करते हैं, फिर अंदर चले जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अभी नरसिंह भगवान का अवतरण हो रहा है, तो भूमि क्षेत्रपाल देवता अपने गर्भगृह में चले गए हैं, क्योंकि दोनों की भेंट नहीं होती है। अभी जो हम, जब नरसिंह भगवान अपने गर्भगृह में चले जाएंगे, तो फिर पुनः जो है भूमि क्षेत्रपाल देवता पुनः आएंगे, पुनः उनका श्रृंगार होगा, पुनः वो नाचेंगे, और पूरे चारों कोनों में पूरे चार दिग्पालों से अपनी भेंट करेंगे, सबको जो है भेंट करेंगे, सब जा करके वो जो है अपने अपने को इस साल के लिए गमन कर देंगे। प्रोटोकॉल का ही मामला समझ लीजिए, अब परचेस का मामला है तो देवताओं में भी होता है भाई, दोनों जो है, दो राजा कैसे हो सकते हैं, एक दो राजा नहीं हो सकते ना। अब वो भी बड़े देवता हैं, नरसिंह भगवान ही बड़े देवता हैं, तो जब तक ये रहते हैं बाहर में नृत्य करते हुए, तो ये हमारे भगवान वो अंदर ध्यान है, वो चले गए, ये जाएंगे तो वो आ जाएंगे। हाँ, इसलिए भेंट नहीं होती उनकी। उसका एक कारण और भी है, उसका एक कारण ये है कि जो भूम्याल देवता है वो बलि वाले हैं, यानी नॉन वेज, और ये नरसिंह भगवान ये दूधाधारी हैं, ये जो है वेज वाले हैं, तो ये भी एक कारण है कि ये मांसाहारी और शाकाहारी में मिलन नहीं होता। वो मांसाहारी है वो मतलब उन पर बलि चढ़ती है,
ये इन पे बनी नहीं चढ़ी, ये भी एक कारण है। मजाक नहीं होता कोई, अभी देखेंगे आप वो कटान पेट में कटान डालेंगे। अलग अलग फैमिली के लोग हैं, कोई चंडिका का बसुआ है, कोई भगवती का बसुआ है, ये हमारे विश्वकर्मा के बसुआ है, और कोई जो है भगवती का बसुआ है, और वो सेकंड नंबर पे भुमयाल का बसुआ है, और ये हमारे गाड़ियाँ हैं जो फर्स्ट नंबर पर, और यहाँ से फर्स्ट नंबर गाड़ियाँ हैं, मतलब ये पंचायत की तरफ से, मतलब पंचायत की तरफ से वहाँ पर अपना वो कर रहे हैं। पंचायत ने जो निर्धारित किया होगा, जो परिवार निर्धारित किया होगा, उस परिवार में चले जाएंगे, पूरा देवता और सारे मुखौटे, सारा साजो सामान देवता का, और पूरे साल भर जो है देवता की पूजा उस परिवार में होगी, वो पहले से फिक्स होगा। कई एप्लीकेशन होंगी, ये लोग तय करेंगे कि कहाँ जाएगा, क्योंकि बारी होती है एक साल डुंगरा एक साल सलूर। अच्छा। तो उसमें उसके भी अगर सलूर से भी चार एप्लीकेशन होगी तो उसमें पहले आओ पहले पाओ या पंचायत निर्धारित करेगी, फिर साल भर वो मतलब एक अनरिप्टेड एक कंटिन्यूस, कोई एक दिन भी उसको मिक्स नहीं मिस नहीं होना चाहिए, वो पूजा पूरी विधि विधान से अपना जो भी उसका विश्वास फेथ जो भी बिलीफ होगा वो आदमी करेगा पूजा वहाँ पे, यानी बैसाखी से और रमान के दिन तक यहाँ पर जो है ये देवता का निवास होता है।